हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ए टू जेड कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस आप लिए के लिए बनाते रहता हूँ। और इस वीडियो में भी एक नया प्लान लाया हूँ जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। प्रीवियस प्लान में मैंने अपलोड किया था इसके कॉलम लोकेशन के बारे में, और इस प्लान में मैं आपको सेंटर लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। एक नज़र आप प्लान पर डाल लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेंटर लाइन का प्लान बताऊँगा। ये जो फ्रंट में तीन कॉलम देख रहे हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम लिए है। ये फ्रंट साइड में जो तीन दिख रहे हैं, और ये जो कॉलम है इसकी लाइन में ये स्ट्रेट है ये फेस, और बैक साइड के जो भी पूरे कॉलम हैं मैंने 9 इंच बाई 15 इंच के कॉलम लिए हैं। और रहा सवाल स्टील का, एक बार आप स्ट्रक्चरल से कांटेक्ट करके स्टील की डिटेल ले सकते हो। मैं बस आपको इसके डायमेंशन वगैरह जूम करके एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद सेंटर लाइन आपको दिखा दूँगा। ये लैंडिंग के नीचे WC बात है 6 फीट बाई 3 फीट का, और ये यूटिलिटी 3.5 फीट की। ये हॉल 14 फीट 2 इंच, उसी में 16 फीट 5 इंच, और किचन 9 फीट 6 इंच, ऐसे में 8 फीट 9 इंच। और ये कॉमन बाथरूम 6 फीट 2 इंच, और ये 3 फीट 6 इंच। और ये मास्टर बेडरूम 10 फीट बाई 11 फीट, और एक बेडरूम 9 फीट 6 इंच, ऐसे में 11 फीट 6 इंच। एक बार इसके कॉलम लोकेशन देख लीजिए, तो इस जगह मैंने इसको कॉलम सेट किया था। और इसी का सेंटर ने मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने पूरे कॉलम एक ग्रिड में एक लाइन में लिए हैं। तो यहाँ पे तो रोड है इस साइड, ये टोटली जगह यूज़ है। तो यहाँ पे 4.5 इंच इस कॉलम से अपने प्लॉट का सेंटर, अपने प्लॉट का आउटर फेस। तो इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर 14 फीट 6 इंच, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर 10 फीट 3 इंच, और यहाँ से एक कॉलम का आउटसाइड 4.5 इंच। यहाँ से रिमेनिंग अपनी और 1.5 फीट जगह है, जो कि मैं प्लान में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेटबैक मैंने छोड़े हुआ था वेंटिलेशन के लिए। एक बार इसको डायमेंशन देख लीजिए आप। तो उसके बाद इस साइड के डायमेंशन आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 4.5 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ पे वॉल का सेंटर है। और इस कॉलम से इस कॉलम 11 फीट 9 इंच, और इस कॉलम से इस कॉलम जो कि ये हॉल है, तो ये 16 फीट 9 इंच। और यहाँ पे सामने स्टेयरकेस है 6 फीट का, तो ये 4.5 इंच और ये 4.5 इंच, तो ये 6 फीट 9 इंचेस हो गया। और रिमेनिंग बचे हुआ 4.5 इंच। क्या तो ये सेंटर लाइन का प्लान मैंने आपको बता दिया है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका भी कुछ ड्राइंग वगैरह हो तो इस पर कॉल करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि आपकी कोई प्लॉट वगैरह हो, उसका कोई ड्राइंग वगैरह बनाना हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल बता दीजिए, मैं नेक्स्ट प्लान में आपका प्लान बनवा दूँगा। तो एक बार मैं आपको जूम आउट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लान के ऊपर सेंटर लाइन सेट किया है, तो आप देख सकते हो कि वॉल के हिसाब से किस तरफ कॉलम आ रहे हैं और फुटिंग किस तरफ से आ रही है और कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आप सामने स्टेयरकेस के पास देख रहे होंगे, ये आसपास ही फुटिंग आ रहे हैं पूरे के पूरे,
क्योंकि ये सिर्फ सिक्स फीट का स्पेस है स्टेयरकेस के लिए। और ये हॉल है, हॉल के कॉर्नर पे मैंने चार कॉलम लिए हैं। और यहाँ पे बेडरूम के ये पूरे कॉर्नर पे मैंने कॉलम लिए हैं। तो ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और आपका कोई भी प्लान हो तो मुझे वो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपके प्लॉट के जो भी डिटेल्स हैं मुझे बताइए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपके वो प्लान बना दूँ। तो बस यही बताना था इस वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसका 3D एक छोटा सा मॉडल बताऊंगा कि आपको ये 3D में अगर बनेगा तो कैसे दिखेगा, सिर्फ लिंटल तक का पोर्शन, कि आपको ऑन साइड पे ये कैसे बन के दिखेगा वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस पर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।